and Bank Bar Council of India for law courses. The institute conducts various courses, namely MBA First Shift, MBA Second Shift, MBA International Businesses, BBA LLB Integrated, BA LLB Integrated, and BBA. The institute is also assessed as Category A by National Assessment and Accreditation Council, NAAC, and Joint Assessment Committee of Government of Delhi and the Gobind Singh Universal University. At GIBS, trust is an all-over salary development for students so that they can face challenges in their competitive professional life with a value-based approach. Apart from providing quality education, emphasis is on to develop leadership qualities, risk-taking abilities, decision-making skills from the beginning of their professional education. Going by this agenda, the institute organizes eminent lecture series on regular basis. This ELS on health issues affecting aliens and managing personal health is a sequel to a aforementioned objective. To maintain a healthy mind, it is essential to maintain a healthy body, including internal organs and vice versa. The more we shape our body, the more our mind gets shaped. In this regard, physical fitness is extremely beneficial. Optimal physical exercise helps to maintain a healthy body externally and internally by regulating blood flow, increasing the oxygen carrying capacity of the blood, keeping the different parts as well as organs active, eliminating toxins from the body, as well as by regulating various other biological phenomena that takes place within the human body. A healthy body fights against many anomalies and helps multiple parts. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurve Namah. Some home chanting with all of you. So let us start. प्लीज आप सभी मेरे साथ करेंगे, आंखें सभी बंद रखेंगे, दो मिनट के लिए आप सभी मेरे साथ ओम चांत करेंगे, इसके बाद मैं अपना स्टार्ट करूंगा।
सो वेलकम ऑल ऑफ यू, जो कि आज हमारा टॉपिक है हेल्थ इश्यूज इफेक्टिंग इंडियंस एंड मैनेजिंग पर्सनल हेल्थ। आज के टाइम पर हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंस है, ये हमें तब पता चलता है जब हम अपनी हेल्थ को खो देते हैं। हम सबको पता है कि हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, हमें सबको पता है कि हमें डेली योगा प्रैक्टिस करनी चाहिए, वॉक करना चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल नेचुरल हो, पॉजिटिव हो, ये सब हमें पता होता है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। लेकिन जब कभी हमें किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और वो डॉक्टर ये बताते हैं कि अगर आपने 10-15 दिन में अपना शुगर लेवल कम नहीं किया या अपनी अपनी लाइफस्टाइल में चेंज नहीं किया तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम सुबह जल्दी उठना भी शुरू कर देते हैं और वॉक करना भी शुरू कर देते हैं और योगा करना भी शुरू कर देते हैं। तो हेल्थ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें इसकी इम्पोर्टेंस का तब पता चलता है जब हम इसको खो देते हैं। सो ये जरूरी नहीं है कि हम बीमार पड़े और उसके बाद हम अपनी हेल्थ का ध्यान देना शुरू करें। जरूरी ये है कि जब हम हेल्दी हैं तो अपने हेल्थ को अच्छे से हम इसको प्रोटेक्ट करें। जैसा कि आयुर्वेद में कहा है, स्वास्थ्यस्य स्वस्थ रक्षणम् आतुरस्य योग प्रशमनम् च। स्वास्थ्यस्य स्वस्थ रक्षणम् आतुरस्य रोग प्रशमनम् च। यानी कि आयुर्वेद का जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, वो ये है कि जो स्वस्थ है, जो हेल्दी है, उसको वो हेल्दी रखना ही है, लेकिन जिसको डिजीज हो गई है, जिसको कोई बीमारी हो गई है, उसकी बीमारियों से उसको दूर करना है। नॉर्मली हमें पता होता है कि हमें क्या खाना ठीक नहीं है। जब भी हम अननेचुरल फूड खाते हैं या अनहेल्दी फूड खाते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज आती है, तो हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि ये ठीक नहीं है, इसको नहीं खाना चाहिए। तो हमारे अंदर में एक ब्लैक पर्सन रहता है और एक व्हाइट पर्सन रहता है। तो अंदर से आवाज आती है कि नहीं खाइए, ठीक नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि आज खा ले कोई बात नहीं, कल से हम इंप्रूवमेंट करेंगे। कल फिर हम खाते हैं तो हमारे अंदर से फिर एक वाइट पर्सन बोलता है कि नहीं, ये खाना ठीक नहीं है, अगर मैं इसको खाऊंगा या मैं इसको खाऊंगी तो मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन अंदर से जो आवाज आती है हम उसको दबा देते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं आज नहीं कल करेंगे, फिर कल कहते हैं परसों करेंगे, चलो अब खा ले यार, कल से करेंगे, परसों से करेंगे। तो इस तरह से हम अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट करते रहते हैं। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं है, बल्कि यहाँ पर मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल की हेल्थ भी है। तो आज के टाइम पर हेल्थ एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और इस गीता रत्न इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल ने मुझे यहाँ बुलाया है कि मैं आपके बीच में एक घंटा रहूं और आप सभी हेल्दी रहें, डिजीज फ्री और हैप्पी लाइफ को आप जिए, इसके लिए मुझे ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ बुलाया है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जो बिजनेस स्कूल है वो अपने स्टूडेंट के लिए हेल्थ को लेकर कितना कंसर्न है, और मैं समझता हूँ कि जो एक घंटा मैं आपके बीच में आया हूँ तो मुझे आप अच्छे से मेरी बात को सुनेंगे, और जो बातें मैं आपके बीच में लेके आया हूँ, जो हेल्थ का मैसेज मैं आपके बीच में डिलीवर करना चाहता हूँ, अगर आप इनको अच्छे से सुनेंगे और अडप्ट करेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपकी हेल्दी लाइफ में ये जरूर कुछ ना कुछ इसका इम्पोर्टेंस रहेगा। और मैं चाहूँगा कि आप और आपकी फैमिली सभी स्वस्थ रहें, तो इसलिए तो मैं आपसे ये एक घंटा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे आप अच्छे से सुने और मेरे को कोऑपरेट करें ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप क्या करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। तो हमारा मेन टॉपिक है कि जो इंडियंस को
जो हमारे हेल्थ इश्यूज हैं ये क्यों हो रहे हैं और हेल्थ इश्यूज होने के पीछे का जो साइंस है वो क्या है। सही मायने में हमारी लाइफ स्टाइल ही डिसाइड करती है कि हम हेल्दी रहेंगे या नहीं। सही मायने में जो हमारी डाइट है वो डिसाइड करती है कि हम हेल्दी रहेंगे या नहीं। सही मायने में हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो डिसाइड करता है कि हमारी लाइफ हेल्दी होगी या नहीं होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आज के टाइम में आपने देखा है बहुत सारे डिजीज हो रही हैं। यदि मैं इनको डिवाइड करूं तो 5 तरह की डिजीज मैं कह सकता हूं कि लोगों को बहुत ज्यादा आज के टाइम पर हो रही हैं। नंबर 1 मैं ले सकता हूं ब्रेन से रिलेटेड, नंबर 2 ले सकता हूं मैं लंग्स से रिलेटेड, नंबर 3 ले सकता हूं मैं हार्ट से रिलेटेड, और नंबर 4 ले सकता हूं मैं लीवर या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से रिलेटेड, और नंबर 5 अगर मैं लूंगा तो किडनी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आज लोगों को हो रही है। तो ये जो प्रॉब्लम हमारे को फेस करनी पड़ रही है इसके पीछे का क्या है। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा योग, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद इन तीनों के अकॉर्डिंग सारी डिजीज का कारण क्या क्या है। जो योगा के अकॉर्डिंग जितनी भी डिजीज का जो कारण है वो है हमारे अंदर एक प्राणिक एनर्जी है, प्राण का दूषित यानी टॉक्सिक होने से सारी बीमारी हो जाती है। अब आप देखते होंगे कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बीमार होते हैं और अल्ट्रासाउंड कराते हैं लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कई बार बीमार होते हैं, एक्सरे कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फिर 4 महीने 6 महीने बाद फिर कराते हैं, कोई पैथी, कोई ट्रीटमेंट, कोई इलाज लग नहीं रहा है, फिर हम बार बार टेस्ट कराते हैं, प्रॉब्लम नहीं आती। ऐसे चलते चलते जब 8-10 महीने बीत जाते हैं, 1 साल तक बीतने लगता है, तब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं या MRI CT स्कैन कराते हैं तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। पहले तो टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं आ रही थी लेकिन आज आ रही है। इसका कारण क्या है? जब भी हमारे को कोई डिजीज होती है तो वो सबसे पहले हमारी प्राणिक एनर्जी यानी प्राण के अंदर होती है, उसके बाद वो हमारे बॉडी में सूक्ष्म शरीर और स्थूल यानी ये फिजिकल बॉडी में आती है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं, बेसिकली ब्रीदिंग टेक्निक्स करते हैं, तो कोई डिजीज जो हमारे अंदर बन रही है और आज उसके सिम्टम नहीं भी है तो वो सारी जो डिजीज है वो ठीक हो जाती है। अब हम बात करते हैं नेचुरोपैथी यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा। अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी सारी डिजीज का एक ही कारण है, वो है हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिंस का इकट्ठा होना। जितनी भी हमारे शरीर में डिजीज इकट्ठी होती हैं, उनका सारों का एक ही कारण है, वो कारण क्या है? टॉक्सिंस का इकट्ठा होना। टॉक्सिंस अगर थायराइड में इकट्ठे हो जाते हैं तो हमें थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड में हमारे इकट्ठा हो जाते हैं तो ब्लड से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, ये पैनक्रियाज में होती है तो डायबिटीज बना देती है, किडनी में इकट्ठे होंगे टॉक्सिंस तो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएगी। इसी तरह से हमारी सारी डिजीज का एक ही कारण अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी है, और वो ये है कि हमारी बॉडी में टॉक्सिंस का इकट्ठा होना या जहरीले तत्वों का इकट्ठा होना या विजातीय द्रव्यों का इकट्ठा होना। हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिंस इकट्ठे होंगे तो इसलिए बीमारियां होती हैं। लेकिन ये टॉक्सिंस इकट्ठे कैसे होते हैं उसके भी हमारी बॉडी के अंदर 4 रास्ते हैं। हमारे बॉडी के अंदर 4 ऐसे रास्ते हैं जहां से हमारी बॉडी में टॉक्सिंस अंदर इकट्ठे होते हैं या वेस्ट मेटी। कारण बताया है वो ये बताया है कि हमारी बॉडी जो 5 एलिमेंट की बनी है इनके इम्बेलेंस होने से वात, पित्त और कफ 3 तरह की डिजीज हो जाती है। तो हम जब देखते हैं तीनों जो तीनों पैथी है, योगा है, नेचुरोपैथी है या आयुर्वेद है, तीनों में हम देखते हैं तो तीनों में एक ही बात कही है कि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट की बनी हुई है और इसके इम्बैलेंस होने से ही डिजीज होती है। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू अगर हमें समझना हो तो हम कह सकते हैं
कि जैसे हम ये कपड़े पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, अगर ये फट जाए तो आप कैसे रिपेयर करेंगे? आप टेलर के पास जाएंगे और इसको रिपेयर करेंगे। मान लीजिए ये पोडियम बना हुआ है, ये वुडन है, ये लकड़ी का बना हुआ है, ये टूट जाए तो इसको कैसे रिपेयर होगा? ये लकड़ी से ही रिपेयर होगा। मान लीजिए ये लोहे का बना है तो इसको कैसे रिपेयर करेंगे? लोहे से ही रिपेयर करेंगे। ये छत है, मान लीजिए सीमेंट की बनी है या जिस मटेरियल की बनी है उसी मटेरियल से रिपेयर होगी। इसी तरह जो हमारी बॉडी है ये 5 एलिमेंट की बनी हुई है, इसमें 5 एलिमेंट इम्बैलेंस होते हैं तो हम कैसे इसको रिपेयर करेंगे? थ्रू 5 एलिमेंट ही इसको रिपेयर करेंगे। इसी को हम योग में कह सकते हैं कि ये 5 एलिमेंट थेरेपी है। इसी तरह से नेचुरोपैथी जो है, नेचुरोपैथी भी अपने आप में 5 एलिमेंट थेरेपी है, जिसमें कि हम बताते हैं सूर्य किरण चिकित्सा। आपने देखा होगा आजकल लोगों को बहुत ज्यादा विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है और बहुत ज्यादा मिनरल डेफिशिएंसी हो रही है। अगर आपके जैसे कॉन्टेक्ट में जो बुजुर्ग लोग रहते होंगे तो आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज हो रही है। तो क्यों होती है? क्योंकि हम सूरज की जो धूप है वो प्रॉपर वे में हम नहीं लेते हैं, उसकी वजह से, या सूरज की बनी हुई चीजों जहाँ पर सूरज की धूप पड़ती है ऐसी चीजों को हम अपने डाइट में ऐड नहीं करते हैं, तो इस वजह से भी हमें विटामिन डी की कमी होती है या हमें बहुत सारी बीमारियां होती है। तो इसी तरह से जो एयर वाला है, जो एयर एलिमेंट है हमारी बॉडी में, हम बहुत ज्यादा एसी यूज करते हैं, बंद कमरों में रहते हैं, ताजी हवा में नहीं रहते, मान लीजिए पार्क वगैरह में वॉक नहीं करते या प्राणायाम नहीं करते, तो हमारी बॉडी में एयर जो एलिमेंट है वो कम हो जाता है। इसी तरह से तीसरा है कि स्पेस एलिमेंट यानी कि आकाश तत्व। हमारी बॉडी के अंदर जितनी खाली जगह है ये सारा स्पेस एलिमेंट है, जो कुछ भी हम खाते पीते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाता है, ये सारा स्पेस एलिमेंट है। तो हमारा जो नॉर्मली ये जो सारा पेट है, ये सारा पेट खाने के लिए नहीं है, ये छोटी सी जगह पेट में खाने के लिए होती है, बाकी हमें हवा और पानी के लिए छोड़ना होता है। हम बहुत ज्यादा ठूस-ठूस के खा लेते हैं तो हमारा जो स्पेस एलिमेंट है वो अंदर से डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से डिजीज होती है। इसी तरह से अर्थ, जो हमारी बॉडी में जितनी भी हड्डियां हैं ये अर्थ एलिमेंट की बनी हुई हैं, तो इसके लिए नेचुरोपैथी के अंदर मड थेरेपी बताई गई है। जब हम मड अप्लाई करते हैं पूरी बॉडी पर या पर्टिकुलर लोकल एरियाज पर, तो वहां पर जो है वो सारी डिजीज को ठीक करता है। इसी तरह से हाइड्रोथेरेपी, जिसमें जल चिकित्सा, अगर हम अपना वाटर इंटेक ठीक नहीं रखते हैं या हम अपनी डाइट में लिक्विड डाइट को ठीक से प्रॉपरली ऐड नहीं करते हैं, तो वहां पर भी हमें बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं, और बहुत सारे हाइड्रोथेरेपी के थ्रू हम बहुत सारी डिजीज को ठीक कर सकते हैं, जैसे कि स्टीम बाथ है, अनीमा है, जल नेती है, या और भी बात, स्पाइनल बाथ, इमर्शन बाथ वगैरह, इसमें बहुत सारी थेरेपीज होती है। तो मैं चाहूंगा कि मैं आपके बीच में 1 घंटे आया हूँ, फॉर्मेलिटी करके ना जाऊं, 1 घंटा मैं बोलता रहूं फॉर्मेलिटी करके चला जाऊं तो क्या फायदा? हो सकता है कि आपका टॉपिक इंटरेस्ट वाला नहीं हो, है ना, हो सकता है कि आपके इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं हो, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो ये आपकी ही लाइफ को चेंज करेगा, है ना। तो ऐसे मौके कम आते हैं जब हम इन चीजों की ट्रेनिंग लेते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा, जो लोग बात कर रहे हैं वो बात ना करें और आप ध्यान से मुझे सुनेंगे तो मुझे खुशी होगी, ठीक है ना। तो बहुत सारी जो घर में प्रॉब्लम्स होती है, डिजीज होती है, मैं उनके लिए आपको कुछ ऐसे ट्रीटमेंट भी बताते जाना चाहूंगा, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मेरा इंटरेस्ट अच्छा रहेगा, मैं और अच्छे तरीके से आपको बता पाऊंगा, समझा पाऊंगा। तो ये जो है नेचुरोपैथी इस तरह से काम करती है। अब जब हम आयुर्वेद की बात, क्योंकि मैं अपनी जो भी कुछ आपको बता रहा हूँ उसमें 3 बातें ऐड कर रहा हूँ, योगा के थ्रू, नेचुरोपैथी के थ्रू और आयुर्वेदा के थ्रू। जब हम आयुर्वेदा की बात करते हैं तो एक ही बात ध्यान में आती है, आयुर्वेद का मतलब कोई मेडिसिन खानी है जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, कोई देसी दवाई खानी है, ये बात सच नहीं। आयुर्वेद का मतलब है वे ऑफ लाइफ, एक ऐसी लाइफ जो हम नेचुरल लाइफ जिसको कह सकते हैं। योग में, नेचुरोपैथी में और आयुर्वेद में, तीनों में यही सिमिलरिटी है कि तीनों में बताया जाता है कि हमारी डाइट नेचुरल होनी चाहिए, हमारा डे रूटीन नेचुरल होना चाहिए, हमारे जो है हमें बॉडी को डिटॉक्स करते रहना चाहिए,
आयुर्वेद में दिनचर्या यानी डे रूटीन बनता है, इसी तरह रात्रिचर्या बताई है। आयुर्वेद में ऋतुचर्या यानी जैसे मौसम बदलता है, जैसे हमारे इंडिया में 6 ऋतुएं होती है, 2-2 महीने में मौसम चेंज हो जाता है, तो जो जैसी हमारी मौसम होगा, सीजन होगा, वैसे हमारी डाइट हो, वैसे हमारी लाइफ स्टाइल हो। तो आयुर्वेद अपने आप में एक लाइफ स्टाइल है। आयुर्वेद का मतलब है कि हम आयुर्वेद के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपने अपना डे रूटीन, अपनी लाइफ स्टाइल को बना लें, ठीक है ना। तो 4-4 घंटे के बाद पित्त कफ काल होते हैं। अब आप देखिए 12 बजे से 2 बजे के बीच में अगर आपने लंच नहीं किया, ये इस टाइम पर हमारी बॉडी में पित्ताग्नि प्रबल होती है। अगर मान लीजिए लंच टाइम में आपने लंच नहीं किया, आप शाम को 6 बजे लंच आपने स्किप कर दिया और शाम को 5 बजे या 6 बजे लंच वाला जो मील है आप ले रहे हो, उस टाइम फिर आपको कुछ भी कर ले, आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी होगी, क्योंकि जो एंजाइम हमारी बॉडी में एक्टिव हो गए थे पित्त काल में, पित्त के समय पर जब हमारी बॉडी में पित्ताग्नि पीक पर थी, उस टाइम तो हमने खाना खाया नहीं और बाद में हमने खाना खाया है, तो वो एंजाइम जो है वो एसिड में बदल जाते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा रात को जब आप बहुत देर तक जागते रहते हैं, तो रात को अगर आप 12 बजे जागते रहेंगे, बहुत देर तक जागेंगे, तो रात को भूख लग जाती है, जबकि आपने डिनर तो किया ही होता है, लेकिन रात को क्यों भूख लग जाती है, क्योंकि उस टाइम पर फिर पित्त काल हो जाता है। तो वात पित्त कफ ये 4-4 घंटे के टाइम पीरियड है जिसके अकॉर्डिंग हमें अपनी लाइफ स्टाइल जो है रखनी चाहिए। इसी तरह हम योगा नेचुरोपैथी के लोग बताते हैं कि रात के टाइम पर दही खाना जो है जहर खाने के समान है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वायु को डिस्टर्ब कर देती है, इम्बैलेंस कर देती है। तो इसी अगर हम छोटी छोटी बातों को इनको फॉलो करते हैं और इनको अगर हम अडॉप्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ स्टाइल में, तो हम अपनी बहुत सारी बीमारियों से ऐसे ही बच सकते हैं। तो 1 घंटे का यदि हम डेली योग अभ्यास करें जिसमें कुछ आसन है, प्राणायाम है और मेडिटेशन है, थोड़ी देर अगर हम ऐसे करें तो उससे हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। इससे हमारी जो है फिजिकल मेंटल एनर्जी ठीक होगी। जैसे आप अभी MBA स्टूडेंट हैं या BBA के स्टूडेंट हैं या लॉ के स्टूडेंट हैं, तो आप अपनी स्टडी तो करते ही होंगे। अगर आप डेली प्राणायाम करते हैं तो जितना आप स्टडी और जितना आपको 6 घंटे पढ़ने के बाद माइंड में कुछ समझ आता है, उतना आपको लगता है कि आपने कुछ कैच किया है, तो आपकी माइंड की वर्किंग पावर इतनी पावरफुल हो जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी। अगर आप डेली 1 घंटा अपना योगा मेडिटेशन प्राणायाम के लिए देना शुरू कर देंगे, तो जितना आप 5-6 घंटे में पढ़ने के बाद समझ पाते थे, उतना आपका माइंड इतना शार्प होगा कि आप 2-2.5 घंटे 3 घंटे की पढ़ाई में देंगे तो वो आपको एक बेस्ट रिजल्ट देगा। तो इससे आपकी, क्योंकि आज की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि फिट बॉडी हो और फिट माइंड हो, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी अपने एग्जाम्स में टॉप आए, आप सभी लाइफ में आगे करियर में आगे बढ़े। तो एक जो आज की हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, हेल्थ, पीस एंड सक्सेस। हम सभी हेल्दी रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ एक पीसफुल लाइफ हो, और हम सभी चाहते हैं कि हम अपने लाइफ में सक्सेस हो। हम सबकी लाइफ में सक्सेस क्या मायने रखती है, सक्सेस किस कैसे हम अपनी लाइफ में डिफाइन करते हैं, ये एक अलग मैटर है। लेकिन अगर हम डेली 1 घंटा योग प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और इसको अपनी एक रूटीन का पार्ट बना लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि इससे हमारी स्टडीज में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है और हमारी मेमोरी पावर भी इससे शार्प होगी और हम बहुत सारी डिजीज से भी जो है वो बचे रह सकते हैं। तो बहुत सारी जो डिजीज जो हेल्थ इश्यूज हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारी जो डाइट है, खासतौर पर जो हमारी डाइट है वो डीटॉक्स डाइट होनी चाहिए, यानी वो डाइट जो हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स को बाहर निकाले। तो वो डाइट क्या है, जैसे कि हम अनकुक्ड डाइट है, रॉ नट्स है, स्प्राउट्स है, सैलेड है, वेज जूस है, हर्बल जूस है। यहाँ पर मैं हर्बल जूस बोल रहा हूँ तो इसका मतलब पैक्ड फूड नहीं है, ठीक है ना। तो नारियल पानी है, पानी है, ये हमारी डाइट में जितनी भी हम डिटॉक्स डाइट लेंगे उतना ज़्यादा हमारा जो हेल्थ है वो अच्छा होता चला जाएगा। हमारी डाइट में हमें ना सिर्फ डिटॉक्स डाइट का ध्यान रखना चाहिए बल्कि अपने डाइट में न्यूट्रिशन भी अच्छा रखना चाहिए और डाइट को नेचुरल फॉर्म में लेना चाहिए। तो जो 5 जहर है, मैं बता दूँ कि 5 बीमारियों के बारे में मैंने बताया था, 5 जहर अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारी लाइफ में से आधी बीमारियां दूर हो जाती हैं।
पांच जहर जिनमें से एक है नमक। बहुत ज्यादा हम नमक का यूज करते हैं, सॉल्ट का यूज करते हैं तो बीमारियां लगती हैं, जिसमें कि हार्ट डिजीज होती है, किडनी डिजीज होती है, डाइजेस्टिव बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। दूसरा है चीनी, शुगर, वाइट शुगर जिसको आप कहते हैं, इसकी जगह खांड, बूरा, शक्कर, गुड़, शहद, इन चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए। इसमें भी बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं जिसकी वजह से थायराइड की प्रॉब्लम, अल्सर की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम और बहुत सारी कई तरह की कैंसर वगैरह डिजीज हो जाती है। तो इसी तरह तीसरे टॉक्सिन हम बात करेंगे, तीसरा है मैदा। बहुत ज्यादा मैदे वाली चीजें खाते हैं या फास्ट फूड खाते हैं तो उससे भी बहुत सारी जो है डिजीज हो जाती है। अब इसके बाद जैसे बहुत ज्यादा घी, एक ही घी को बार बार गर्म करके यदि हम खाते हैं, जैसे हम बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट में तो वहां पर क्या होता है, एक ही घी को बार बार गर्म करके यूज करते हैं तो वो भी बहुत सारी सीवियर डिजीज जैसे कैंसर वगैरह बीमारियां पैदा करता है। और एक बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें जो हम खाते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा जो है हमारे अंदर बीमारियों को ले जाता है। तो ये हम पांच चीजें अगर हम बैलेंस कर देते हैं, कम कर देते हैं या ठीक कर देते हैं तो हम बहुत सारी डिजीज के थ्रू ऐसे भी हम बच सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बताया हेल्थ, पीस एंड सक्सेस। तो अब जो दूसरी बात हम करते हैं वो है पीस ऑफ माइंड की। आज के टाइम पे बहुत ज्यादा लोगों को डिजीज जो हो रही है उसका मेन जो कारण है वो है स्ट्रेस। एक बच्चा अपने फादर के साथ एक मेला देखने जाता है तो वहां पर वो क्या देखता है कि एक राजा है और वहां पर क्या देखता है कि एक चोर है और चोर को वहां पर कुछ पुलिसमैन जो है वो पकड़कर ले जा रहे हैं। तो वो बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा जी ये जो है ये क्या हो रहा है। उसने कहा कि ये चोर है और पुलिस वाले इसको पकड़कर लेकर जा रहे हैं। तो एक दो साल के बाद फिर एक मेला लगता है, वही फिर वही बच्चा अपने फादर के साथ वहां पर जाता है उस मेले में। और अब वहां क्या होता है कि एक राजा है और राजा के चारों तरफ कुछ पुलिस वाले, सिक्योरिटी फोर्सेस, कुछ सैनिक वहां पर साथ में चल रहे हैं। तो बच्चा अपने फादर को बोलता है कि पिताजी देखिए एक चोर है जिसको पुलिस वाले लेकर जा रहे हैं। तो वो पिताजी बोलते हैं, बेटा ये जो है ये चोर नहीं है, ये हमारे कंट्री का जो है राजा है और ये चारों तरफ जो है ये पुलिस वाले हैं। तो बेटा बोलता है, पिछली बार तो आपने कहा था चोर है, इस बार आप कह रहे हो राजा है, आप पहले डिसाइड करो फैक्ट। और पिछली बार तो आपने कहा था चोर है, पुलिस वाले ले जा रहे हैं, इस बार भी एक पर्सन बीच में है, चारों तरफ पुलिस वाले, आप कह रहे राजा है। तो फादर बताते हैं कि बेटा पिछली बार जो था वो जो चोर था उसको चार पांच पुलिस वाले ले जा रहे थे, इस बार जो राजा है उसके शासन में ये पांच लोग हैं। पिछली बार जो था वो चोर उनके शासन में था, इसको मार्क्सी पतंजलि कहते हैं अथ योगानुशासनम। जो राजा है उसके चारों ओर जो लोग हैं पुलिसमैन, उस पर किसका शासन है, राजा का शासन है। इसी तरह से हमारे हमारे मन के ऊपर जितने भी काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, बहुत सारे नेगेटिव इमोशन जो हमें घेरे रखते हैं, बहुत सारे जब नेगेटिव इमोशन हमें घेरे रखते हैं तो इसका मतलब हमारी स्थिति चोर की जैसी हो जाती है, जो हमारे को कई तरह के नेगेटिव इमोशंस जो है वो घेरे रखते हैं। लेकिन हमें यदि हम अपने नेगेटिव इमोशन पर टेक ओवर कर लेते हैं, अपने कंट्रोल में कर लेते हैं सारे नेगेटिव इमोशंस को, तो हम समझ सकते हैं कि हमारी स्थिति जो है वो राजा जैसी है, क्योंकि हमने सबको अपने कंट्रोल में कर रखा है, हम किसी का कंट्रोल में नहीं है। हमें कोई कुछ बात कह देता है और हमें बुरी लग जाती है, हमें कोई दो शब्द बोल देता है और हमें बुरा लग जाता है, तो इसका मतलब यह है कि हमारा रिमोट कंट्रोल जो है हमारे पास नहीं है, हमारा रिमोट कंट्रोल उसके पास है जिसके कुछ कहने से हमें बुरा लगा है। कोई सिचुएशन हमारी लाइफ में नेगेटिव आ जाती है, कोई परिस्थिति हमारी लाइफ में ऐसी आ जाती है जिसको फाइट करने में हम वीक फील कर रहे हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो रिमोट कंट्रोल है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो सिचुएशन के हाथ में है। तो जब हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो हमारी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होने लगता है।
यदि हम नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं तो हम नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट कर लेते हैं। हमारी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव होने लगता है क्योंकि हम मैग्नेट हो जाते हैं, क्योंकि पहले से ही हम तैयार हैं कि हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव हो, क्योंकि हम नेगेटिव हमेशा ही सोचते रहते हैं। तो बहुत ज्यादा अगर हम किसी से बात करते हैं तो वो किससे करते हैं, अपने आप से बात करते हैं। सो स्टॉप नेगेटिव सेल्फ टॉक। हम सो रहे होते हैं, हमारा मन चल रहा होता है, सुबह उठते हैं, कॉलेज आते हैं या जो भी कुछ काम करते हैं, स्टडी करते हैं, खाना खाते हैं, चलते फिरते हैं, मन में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। जो मन में कुछ ना कुछ हम सोचते रहते हैं तो क्या वो नेगेटिव सोचते हैं? अगर हर टाइम अगर हम नेगेटिव सोचते रहते हैं तो हमारा माइंड भी कैसा होता जाएगा, नेगेटिव होता जाएगा। मान लीजिए कि आप अपने एग्जाम में टॉप आना चाहते हैं और आप नेगेटिव सोचते हैं तो फिर आपको आगे कैसे टॉप आऊंगा, मेरे पास पढ़ने का टाइम कम है, मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, मेरे को ये सिचुएशन है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे तो आप कहेंगे कि ठीक है, मैं सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग तैयार कर लेता हूँ, मेरे को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम तैयार हो रही है, मैं कुछ नोट्स तैयार कर लेता हूँ, एग्जाम के लिए कुछ की नोट्स तैयार कर लेता हूँ, किस सब्जेक्ट में ज्यादा प्रॉब्लम है उस वाले प्रोफेसर से मिलके उनके साथ कुछ मीटिंग करके कुछ उसके लिए अलग से मैं प्लानिंग तैयार कर लेता हूँ, कुछ मेरे को कोचिंग की जरूरत है मैं वो कर लेता हूँ, मेरे को कहाँ कहाँ मेरे वीक पॉइंट है उनको मैं लिस्ट आउट करता हूँ, क्योंकि मेरे को बीबीए में टॉप आना है तो मेरे को कुछ करना जरूरी है, मेरे को करना नहीं है, मेरे को करके रहना है, करके ही रहूंगा और होके ही रहेगा। इस फीलिंग जब जिस तरफ माइंड को आप डाइवर्ट करेंगे, अगर आप पॉजिटिव डाइवर्ट करेंगे तो आपका माइंड कमांड देने लग जाएगा, ऐसा कर लो, बहुत सारी पॉजिटिव प्लानिंग तैयार कर लेंगे आप, बहुत बड़ी पॉजिटिव प्लानिंग तैयार कर लेंगे, जितनी प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन तैयार कर लेंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव थिंकिंग में रहेंगे तो आपका माइंड आपको नेगेटिव कमांड करना शुरू करेगा तो फिर आपका जो है वो सारा जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है। तो हम जब हेल्थ की बात करते हैं तो आज के टाइम पर स्ट्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जब हम समझ लेते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हमसे बड़ी है तो हमें स्ट्रेस होने लगता है। सो वी आर बिगर देन एनी प्रॉब्लम। तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिससे जो हमसे बड़ी हो, हम सबसे जो है हम सभी प्रॉब्लम से बड़े हैं। तो जब मैं छोटा था, 7th क्लास में पढ़ता था, तो अब इतनी सारी चीजें नहीं होती थी जितनी आज है, तो मैं एक छोटी सी बुक मैंने पढ़ी थी और उसमें एक लाइन मैंने पढ़ी थी और उस लाइन से मेरे को मेरी लाइफ को चेंज करने में बड़ी हेल्प मिली और आज भी वो लाइन इंस्पायर्ड करती है मुझे। मैंने उस बुक में ये पढ़ा, देयर शुड बी नो वर्क टू रिटर्न। वापिस जाने की नाव को लापता करो। अगर आपको लक्ष्य को पाना है, अगर आपको कोई गोल अचीव करना है, यदि आपको लाइफ में सक्सेस होना है, तो उस सक्सेस होने के वापिस जाने के जो रास्ते हैं उनको सबको बंद कर दो। सिर्फ कैसे अचीव हो सकता है, सिर्फ उसी तरफ थिंकिंग लगाओ, उसी तरफ एनर्जी लगाओ, उसी तरफ अप्रोच करो, उसी तरफ एक्शन करो, तो लाइफ में जरूर हम सक्सेस होंगे। तो एक जैसे हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग होती है वैसे हमारे थॉट प्रोसेस होता है। अगर हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग पॉजिटिव करते हैं, हम हर टाइम पॉजिटिव सोचते रहते हैं, तो हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। फिर हमारे थॉट प्रोसेस कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। फिर उसके बाद हम एक्शन कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। फिर हमारा रिजल्ट कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये एक फॉर्मूला है, ठीक है ना, PTAR, यानी प्रोग्रामिंग थॉट एक्शन एंड रिजल्ट। तो जैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे वैसा हमारा थॉट प्रोसेस चलेगा और वैसे ही हम एक्शन लेंगे और जैसे एक्शन लेंगे वैसे ही हमारा जो है रिजल्ट आएगा। तो मैं आपको, अगर आप लोग कोऑपरेट करें और आप कहें कि जब कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाए, बहुत ज्यादा एग्जाम को लेकर स्ट्रेस हो रहा हो या बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा हो कि मैं कैसे होगा, तो मैं आपको 2 मिनट की एक टेक्निक समझा सकता हूँ जिससे आप 2 से 5 मिनट के अंदर अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। यस और नो, बताऊं या नहीं? जोर से बोलो, जोर के साथ बोलो। तो
जब मैंने कभी पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो मैंने अपनी डायरी में लिख दिया था पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम पास विद प्रक मार्क्स। देने से पहले मैंने ऐसा लिख दिया था, आप भी ऐसा लिखिएगा, मेरी तरफ से एक एडवाइस है आपको पर्सनल, कि इससे क्या हुआ, एक माइंड को एनर्जी मिली, एक ताकत मिली कि मेरे को ये जो है ना अचीव करना है और मैं कर सकता हूँ, और मैं नहीं कर सकता तो शायद कोई नहीं कर सकता। आप अपने आप से ये कहा करें ओनली आई कैन डू इट, अगर मैं नहीं कर सकता तो फिर दूसरा कोई भी, तो इससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो मैं आपको स्ट्रेस को कम करने के लिए एक छोटी सी टेक्निक समझाऊंगा, जिसे आप 2 से 5 मिनट यदि आप कहीं पर भी बैठ कर कर लेते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, ठीक है। तो ये योगा की एक छोटी सी टेक्निक है जिसमें आपको दोनों हाथों को इस तरह से करना है और ऐसे नेवल पर लेके आना है, ये टच करना है, दबाना नहीं है, ठीक है। अब आप अपनी जीभ को तालू के साथ लगा देंगे और मुंह बंद रखेंगे, ऊपर लगा देंगे जीभ को, यहां ऊपर लगा देंगे मुंह पर। अगर कुछ लोग नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, इसके बाद आप करेंगे हमिंग लाई के बी भ्रमर गुंजन, ऐसे देखिए ऐसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं, फिर आप उसके बाद करिएगा। ठीक है, इस तरह से आप तेज आवाज में करेंगे, देखिए हंसने की बात ये समझ लीजिए, जब आप ऐसा करेंगे ना तो यहां पर एक वाइब्रेशन होगी, ये जो है ना ये एक डिवाइन एनर्जी का स्थान है, ये यहां से डिवाइन एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, ये क्राउन चक्र है यहां पर हमारी बॉडी में। तो जब आप इस तरह टेक्निक को 2 से 5 मिनट करेंगे रेगुलर करके दिखाओ, कर सकते हो तो करो, बताओ करो नहीं करना, हाँ ट्राई तो करो, सभी एक साथ करेंगे तो बात होते करो। चलिए रहने दीजिए, शांत हो जाए। तो जो बात मैंने आपको बताई है इसको आप घर पर भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया है ये टेक्निक, अगर आप इसको 2 मिनट करते हैं तो जो लोग कुछ करना चाह रहे थे कुछ नहीं करना चाह रहे थे, तो जो करना चाह रहे थे मैं उनके लिए खुद आपको 1 मिनट के लिए करके बता देता हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मैं आपको करके बता देता हूँ, इससे आपको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आएगी और कंसंट्रेशन पावर मेमोरी पावर भी आपकी बढ़ेगी और स्ट्रेस लेवल भी इससे कम होगा। आप इसको 2 से 5 मिनट इसको आप कर सकते हैं, मैं आपको कुछ सेकंड के लिए इसको करके बता देता हूँ, ठीक है। अगर नेचुरोपैथी की जो थेरेपीज हैं उनको अगर हम अडॉप्ट कर लेते हैं तो बहुत सारे बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लोअर बैक की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द होना बहुत ज़्यादा आज की एक बहुत कॉमन डिजीज है, नेचुरोपैथी में इसके लिए एक हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन बताया जाता है, जिसमें गर्म ठंडा से एक गर्म पानी जिसमें बहुत तेज गर्म पानी हो, एक बहुत ठंडा पानी जिसमें बहुत चिल्ड पानी हो, 2 टॉवल लेकर आप 3 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा, इस तरह से हॉट एंड कोल्ड पे 4-5 राउंड यदि सिकाई कर लेते हैं बैक पर, तो बैक मसल्स जो है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से बैक पेन की प्रॉब्लम होती है। इसी तरह से नी प्रॉब्लम पर भी इस तरह का फर्मेंटेशन कर सकते हैं, इस तरह से नेचुरोपैथी में
बहुत सारी ये चीजें का ट्रीटमेंट हम अपने घर पर कर सकते हैं। तो ज्यादा अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो फिर आप हमारे जो सोशल मीडिया डॉक्टर राजेश बत्रा सर्च करेंगे तो यूट्यूब पर मेरे वीडियो होंगे, वहां से आप इस तरह की नॉलेज ले सकते हैं। जो कुछ भी मैंने बताया है उससे रिलेटेड यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं लेना चाहूँगा। और मैं थैंक करना चाहूँगा यहाँ के मैनेजमेंट को और यहाँ के ऑर्गेनाइजर कमेटी को और खासतौर पर स्मृति मैम को जिन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और बुलाया, और टीना मैम का खासतौर पर जिन्होंने यहाँ पर कॉलेज के साथ मुझे इंट्रोड्यूस किया। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। Good afternoon everyone. Good afternoon. I would like to thank Mr. Bhatia for sparing his valuable time with us. Though we don't like to listen on yoga, but yoga is important for all of us, right? It connects our health with our soul, and this thing is missing. So we do go to gym, we do a lot of dumbbells, we show our body, but at the same time, the soul is not listening to you. You may be having a very good body, but a very poor mind. Okay? So I hope you have gone through what he was telling. He's a man of yoga and he has written not many good books. He was sharing what all he has written as far as literature is concerned. And he also promised to give one book to me as a complimentary copy. Yes. Right? So do go through his books, though they are written in Hindi. But I hope you have read Hindi in your school level. And he has written some good books in yoga. So I once again convey my thanks to him for coming to this institution. And let's give him a big round of applause. And when I say laugh, I don't ask you to make a background noise through your mouth. Right? It should only be an applause. So there are some students who make a lot of noise from their mouths, that is not required. And that is also treated to be indecent behavior. Okay? So please do take care. Smiling, laughing is fine, but it should be related to the occasion. If it's a joke, let's laugh. If it's a small joke, we smile. If we are happy, we smile. But unnecessarily, if we smile, I think we are conveying a different type of meaning. Thank you.